बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे उससे पहले एक छोटी सी बात। अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, आप देख रहे होंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे पशु पक्षी हैं, इनकी सुध बहुत सारे लोग ले रहे हैं, इनके लिए पानी की व्यवस्था, चारे का इंतजाम किया जा रहा है। आप भी हाथ बटाइए, अपनी छत पर दाने रखिए, हो सके तो बर्तन में पानी भी रखिए। छायादार जगह देखकर जहां पक्षी आकर इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सके, ये काम जरूर कीजिए। आइए हेडलाइंस के साथ खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर लगा ग्रह, राज्य सरकार ने 1034 पदों की नियुक्ति मांग पत्र पर दी केवल 270 की स्वीकृति। वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को दिया जा रहा उन्नत फसल के लिए टिप्स, समय के अनुसार करें खेती में अन्य बीजों का उपयोग। प्रभारी मंत्री की चेतावनी के बाद रेलवे ने बदला नियम, गुरुवार से शुरू हुई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। और थोक फल सब्जी महासंघ के 5वीं बार चुने गए अनिल सलूजा अध्यक्ष, मुकेश अधीजा को बनाया गया थोक सब्जी मंडी का। तो आइए अब खबरों को देते हैं विस्तार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के खुलने से पहले ही सरकार ने इस पर ग्रहण लगा दिया है। सिम्स के डी ने 1034 पदों पर नई नियुक्ति की मांग की थी, मगर राज्य सरकार ने 277 पदों पर ही स्वीकृति प्रदान की है। दूसरी ओर वर्तमान में भी सिम्स में स्टाफ नर्सों की कमी बनी हुई है, जिससे मरीजों के उपचार में परेशानी आ रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी हाल बेहाल हो जाएगा। गरीबों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा देने और न्यूरो सहित गंभीर बीमारियों का इलाज करने की मंशा के साथ शुरू किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरुआत से ही कर्मचारियों, चिकित्सकों और नर्सों की कमी होने वाली है। हाँ, ये सच है, क्योंकि राज्य शासन ने सिम्स के डीन द्वारा भेजे गए मांग पत्र का महज एक तिहाई को ही स्वीकृति दी है। दरअसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 1034 पदों की भर्ती के लिए मांग पत्र भेजा गया था, मगर राज्य सरकार ने उसमें से महज 277 पदों पर ही स्वीकृति दी है। सुपर स्पेशलिटी के लिए हमने लगभग 1034 पदों का हमने मांग किया था, उसमें क्लास वन क्लास टू मेडिकल अफसर से लेके क्लास थ्री क्लास फोर और सभी ग्रेड के लोगों को लेते हुए पैरामेडिकल पैराक्लिनिकल सभी विभागों के लेते हमने मांग की थी। चूँकि सरकार ने उसको राशनिंग करी है कि सरकार की कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है उसके हिसाब से। ये तो थी भर्ती पर चर्चा, अब सुनिए इस हॉस्पिटल के शुरुआत पर डीन डॉक्टर सहारे क्या कह रहे हैं। स्थिति में तो स्ट्रक्चर जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वो लगभग 90% तो ख़त्म हो चुका है और जो ऑपरेशन थिएटर के जो काम है वो प्रगति पर है। दूसरी बात है कि अभी MRI और CT स्कैन अभी कस्टम ड्यूटी से क्लियर नहीं हुए तो अभी तक पहुंची नहीं है, और बाकी लगभग मेरे ख्याल से 90-95% तो ख़त्म हो चुका है काम स्ट्रक्चर का। और क्योंकि क्या होता है कि जब ये मशीन लगाते हैं तो तोड़फोड़ होती है, तो उसमें सिविल वर्क बाकी रहता है। बाकी जैसा कि उन्होंने निश्चित किया था कि 30 अप्रैल तक हम करके दे देंगे, जो मुझे लगा कि नहीं संभव हो पाएगा, ये जून तक जाना की संभावना है। गौरतलब है कि विधायक बिलासपुर ने जब विधानसभा में इसकी शुरुआत को लेकर प्रश्न किया था तो स्वास्थ्य मंत्री ने जून तक शुरू होने की संभावना जताई थी, मगर हालिया स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसके शुरुआत की तारीखें और बढ़ सकती हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। इधर प्रदेशव्यापी जारी हड़ताल के बीच जिला मितानिन संघ ने बैठक कर खुद को लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। 5 सूत्रीय मांग कर रहा मितानिन संघ 28 दिनों से राजधानी में डटा हुआ है। छत्तीसगढ़ मितानिन सहायिका संघ का आरोप है कि मांग पत्र सौंपे जाने के बाद भी राज्य सरकार ने केवल आश्वासन दिया, जबकि वादे के मुताबिक 5,000 प्रोत्साहन राशि के अलावा 100% राज्यांश देना चाहिए था। कोरोना भत्ता भी उन्हें नहीं मिला है, इससे नाराज मितानिनों ने हड़ताल का रास्ता चुना है।
1 अप्रैल 2022 से 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल रायपुर में चल रहा है। उसी के इसमें आज यहाँ बिलासपुर जिला मितानिन संघ का बैठक का आयोजन रखे हैं, जिसमें सबसे पहला मांग है हम लोगों का कि जो मितानिन लोग का और मितानिन टीम को पूरा जो राज्यांश है उसको 75 से बढ़ाकर 100% किया जाए। आज का हम लोग का जो बैठक है मितानिन लोग का 5 सूत्री मांग को लेकर है, जो कि अभी तक शासन आश्वासन दिए हैं लेकिन एकदम ठोस नहीं दिए हैं, और जब तक हमारी मांगे हमारी मितानिन दीदी लोग का मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। संघ ने बैठक कर खुद को आगे हड़ताल जारी रहने पर मानसिक रूप से तैयार किया। उन्होंने कहा सरकार की स्वास्थ्यगत योजना का मितानिन गांव-गांव में सफल क्रियान्वयन किया है, बावजूद उन्हें वाजिब हक नहीं दिया गया, ठोस आश्वासन नहीं मिलने तक वो राजधानी में डटे रहेंगे। आज 1 महीना होते कम से कम स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही ग्रामीण स्तर में देखे जाए तो लाचार हो चुके हैं, क्याबर की मितानिन दीदी और टीम जो है वो आज हड़ताल में बैठे हुए है, और उकर थोड़ा कन मांग है अगर हमार मुखिया है थोड़ा ध्यान दे के सुन ले तो हमार मितानिन दीदी और उकर साथ में जो टीम है और साथ में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पिछड़े हुए वो सब ठीक हो सकत। 1 माह हो गया पूरा हमें बैठे बूढ़ा तालाब में, और इसी के लिए और हम अपने जो जिले से हैं तो और प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे और रणनीति तैयार करने के लिए और हमारी मांग को जल्दी सरकार सुने और हमें आश्वासन दे ताकि हम अपने काम में जल्दी वापसी आ सके। 1 अप्रैल से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल से आर्थिक धक्का लगने के बावजूद मितानिन सदस्यों का हौसला बरकरार है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर मलेरिया का प्रकोप देखा जा रहा है, खासकर कोटा क्षेत्र इसके लिए संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मलेरिया जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। संदेही मिलने पर तत्काल स्लाइड लेकर मलेरिया जांच के लिए भेजना है, लेकिन मौजूदा स्थिति में स्लाइड खरीदने के लिए विभाग के पास फंड नहीं है, वहीं स्लाइड भी खत्म हो गया है, ऐसे में जांच प्रभावित हो रही है। इधर स्थानीय स्तर पर वर्कशॉप नहीं होने का खामियाजा दिव्यांगों को भुगतना पड़ रहा है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल में खराबी आने पर पहले उसकी जांच और बाद में मरम्मत की जाती है। इस दौरान दिव्यांगों को 10 से 20 किलोमीटर का सफर तय करके आना पड़ता है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांगों के लिए पैरों का काम करता है, लेकिन इसमें खराबी आने पर वो परेशान हो जाते हैं। दरअसल एलिम्को कंपनी द्वारा निर्मित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मरम्मत के लिए स्थानीय स्तर पर वर्कशॉप नहीं है। समाज कल्याण विभाग का जिला पुनर्वास केंद्र इसके लिए समय समय पर पहले जांच फिर उसमें सुधार के लिए शिविर लगाता है। दिव्यांगों को दिक्कत ये है कि वाहन खराब होने पर तत्काल सुधार नहीं हो पाता, इसके पार्ट्स मिलना भी मुश्किल है। शिविर लगने का लंबा इंतजार दिव्यांगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा देता है। शिविर में आने के बाद तो परेशानी नहीं है, लेकिन बीच में शिविर कभी कभी लगता है दिन ब दिन। मान लो हम बनवा गए कल बिगड़ गया गाड़ी तो हमारा खड़ा रहता है, इसलिए एजेंसी होना चाहिए, एजेंसी या मैकेनिक मिलना चाहिए वर्कशॉप, जिससे हम अपने पैसे से भी लगा सकें। 20 किलोमीटर से आया हूँ सर मैं, तो 20 किलोमीटर रिटर्न जाना है, अब सामान आएगी उस दिन फिर आना लेके आना, ख़राब गाड़ी को कैसे लाएँ ये समस्या है, ऑटो का किराने का किराया करना पड़ेगा, समस्या ही है सर। कुछ भी नहीं, मतलब मैडम वाला फ़ोन करता कि मतलब घर में परे रहता है, जब शिविर लगता है तो फिर दोबारा मिलता है। बंद पड़ा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल ढोने की आर्थिक परेशानी और 10 से 20 किलोमीटर इसे चलाकर आना चुनौतीपूर्ण होता है। इस मौसम में जब तापमान 43 डिग्री पहुंच गया है, विभाग शिविर लगाकर दिव्यांगों को राहत के नाम पर परेशान कर रहा है। जांच शिविर सभी ब्लॉकों में लगाया जा रहा है, जहां कुछ दिनों बाद इन्हें फिर बुलाया जाएगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। खेती में अलग अलग फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और मौसम के मुताबिक खेती करने के लिए कृषि वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं। यही कारण है कि इसे लेकर लगातार वैज्ञानिक अलग अलग विकासखंड के किसानों को इसके फायदे बता रहे हैं। ठाकुर चेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय के कृषि विज्ञान जिले के किसानों को मौसम आधारित फसल के अलावा फसल परिवर्तन पर
जोर दे रहे हैं। इसके अलावा नगद खेती पर भी इनका पूरा फोकस है। गौठानों में काम करने वाली समितियों के अलावा महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। गौठान समितियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी कृषि महाविद्यालय द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के अलावा सब्जी भाजी की खेती पर भी कृषि विज्ञानी जोर दे रहे हैं। कृषि महाविद्यालय के डीन RKS तिवारी ने इस संबंध में जानकारी दी। खेती कैसे की जाती है उसके ऊपर हम लोग प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और किसानों को, कृषकों को ये बता रहे हैं कि कैसे जो छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं जो चल रही हैं, जैसे गोधन न्याय योजना या छत्तीसगढ़ का जो जो घुरुआ नरवा गरुआ और बाड़ी वाली योजना है, और जिसके तहत गोठान का निर्माण हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, तो किसानों को यह सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके अपने खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं। प्रशिक्षक किसानों को मौसम आधारित खेती करने प्रोत्साहित कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट, मौसम आधारित खेती के अलावा हरे चारे की खेती करने वैज्ञानिक किसानों को लगातार प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। कृषि विज्ञानियों का पूरा फोकस नगद खेती पर है। इसी के तहत किसानों को फसल परिवर्तन करने के अलावा नगद खेती की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सरकार की भी यही मंशा है कि किसान जो है छत्तीसगढ़ के खातिर वो धान की फसल के अलावा भी दूसरी फसलों की ओर ध्यान दें, क्योंकि उनमें भी बहुत से फायदे हैं और ये नकदी फसल कहलाती है। इधर बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में विभागों और संस्थाओं के सहयोग से छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार अक्षय तृतीया यानी अक्ति 3 मई को व्यापक रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर कृषकों, गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों के सदस्यों को विभिन्न खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, सब्जी, चारा सहित अन्य फसलों के बीज और पौधे सामग्री के अलावा महाविद्यालय द्वारा विकसित और प्रचलित लघु कृषि यंत्रों, औजारों का वितरण किया जाएगा। अक्ति त्यौहार को हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार सरकार छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से अक्ति त्यौहार को एक बृहद रूप में मनाने की योजना बनाई गई है और चल रही है, मनाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, सभी कृषि महाविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में इस त्यौहार को इस सप्ताह पूरे भर मनाया जा रहा है, और अंत में 3 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम जिले स्तर पे हर छत्तीसगढ़ के हर जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कुछ दिनों पहले जिला पंचायत सभा कक्ष में सामान्य सभा के दौरान ग्राम पंचायतों में पेयजल की आपूर्ति समेत गर्मी में बोर खनन को लेकर काफी हो हंगामा मचा था, लेकिन इसके बावजूद PHE विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति उदासीन बने हुए हैं। ग्राम पंचायतों में जल संकट गहराया हुआ है, कई जगह तालाब के जरिए निस्तारी की व्यवस्था करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। इधर भीषण गर्मी का असर अब मनरेगा कार्यों पर भी पड़ने लगा है। आलम यह है कि रोजगार सहायक और पंचायत प्रतिनिधियों को मजदूरों के लिए भटकना पड़ रहा है। सुबह से ही तेज धूप चुभने लगती है, ऐसे में मनरेगा का कार्य प्रभावित होने लगा है। जिला पंचायत के सामान्य सभा में भी इस समस्या के बारे में जन प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को अवगत कराया था। इसके साथ ही कुछ ग्राम पंचायतों के मजदूर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए चले गए हैं, गांव खाली पड़े हैं। रेलवे पर राजनीतिक दलों का दबाव साफ दिख रहा है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा कोरबा में आंदोलन की चेतावनी देने के बाद अब गुरुवार से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पटरी पर लौट आई है। यात्री मन कृपया ध्यान देवें, गाड़ी संख्या 08861 गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल वाया चांपा खरसिया रायगढ़ आज रद्द करे गए हैं। यात्री मन के असुविधा पर हमला खेद है। रेलवे ने बिलासपुर कोरबा के बीच छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को पैसेंजर बनाकर चलाने का निर्णय लिया है। 28 अप्रैल से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर बिलासपुर स्टेशन पहुंची।
वहीं दूसरी तरफ अभी भी तमाम ट्रेनें एक माह के लिए रद्द हैं। इन दिनों बिलासपुर रेलवे स्टेशन का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता है कि मानो अभी भी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, जिसके चलते स्टेशन परिसर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी को भी प्लेटफॉर्म पर यात्री गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। केवल माल लदान के लिए मालगाड़ियों का परिचालन निरंतर जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर एक को तो वैसे ही 22 दिनों तक बंद रखा गया है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 में गाड़ियों की संख्या महज नाम मात्र की रह गई है। यात्रियों से गुलजार रहने वाला बिलासपुर स्टेशन इन दिनों यात्रियों के लिए ही तरस रहा है। इक्का दुक्का यात्री प्लेटफॉर्म पर बैठकर आने वाली अन्य ट्रेनों का इंतजार करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। वहीं स्टेशन परिसर के बाहर भी काफी सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी स्टेशन में कोरोना वायरस का दौर चल रहा हो। लेकिन कोरोना की मार नहीं बल्कि माल लदान को आगे बढ़ाने की मारामारी के चलते रेलवे ने गाड़ियों को मेंटेनेंस कार्य के नाम पर रद्द किया है, जिसका विरोध लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 08861 गोंदिया 400 मेमू स्पेशल वाया चांपा खरसिया रायगढ़ 8 रद्द कर दी गई है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर जोन में इन दिनों कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें तीसरी और चौथी लाइन का काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में मंडल के अलग अलग रेल खंडों में काम जारी है, इसके चलते कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि रेलवे ने यात्री ट्रेनों को रद्द किया। इसके साथ ही भीषण गर्मी में बिलासपुर स्टेशन पहुंचने वाली यात्री गाड़ियां निर्धारित समय से घंटों से पहुंच रही हैं। इस दौरान मुसाफिर अपने गंतव्य जाने के लिए ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिले में नए सत्र से गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल भवन को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल के नाम से जाना जाएगा। क्षेत्र के पार्षद उमेश चंद्र का कहना है कि कक्षा 6वीं से इसमें प्रवेश देने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से छोटी कक्षा के बच्चे वंचित रह जाएंगे। बेहतर होगा इसे कक्षा 1 से शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिले में एक से ज्यादा स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल खोलने की आवश्यकता बताई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि बिलासपुर जिले में एक हिंदी आत्मानंद स्कूल एक हिंदी पाठ्यक्रम के रूप में शुरुआत की जाए 6वीं से, लेकिन इसमें एक मुझे असमानता दिखाई दे रही है। अगर हमको ये इसको शुरू करना था तो 1 से शुरू करना था, ताकि गरीब बच्चे जो 1 में प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस को। तो ऑलरेडी यहाँ पर 6वीं से क्लासेस चल ही रही है गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ सेकेंडरी स्कूल में। तो मेरा एक ही सरकार से अनुरोध है कि जो 6वीं से यहाँ प्रारंभ करने जा रही है उसको 1 से करें। सीवरेज के लिए खोदी गई सड़क लोगों के लिए आफत बन गई है। शनिश्री बिलासा चौक के पास बेतरतीब ढंग से की जा रही खुदाई के चलते ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आलम यह है कि रह रहकर जाम से वाहन चालक हलाकान हो रहे हैं। वर्ष 2008 में शुरू हुए सीवरेज परियोजना का काम कब पूरा होगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आइए एक नजर फिर से डालते हेडलाइंस पर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर मेगा ग्रहण, राज्य सरकार ने 1034 पदों की नियुक्ति मांग पत्र पर दी केवल 277 की स्वीकृति। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को दिया जा रहा उन्नत फसल के लिए टिप्स, समय के अनुसार करें खेती में अन्य बीजों का उपयोग। प्रभारी मंत्री की चेतावनी के बाद रेलवे ने बदला नियम, गुरुवार से शुरू हुई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। और थोक फल सब्जी महासंघ के 5वीं बार चुने गए अनिल सलूजा अध्यक्ष, मुकेश अधीजा को बनाया गया थोक सब्जी मंडी का अध्यक्ष। ये थे हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। थोक फल सब्जी मंडी महासंघ के लिए अनिल सलूजा फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। नए कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य तय किए हैं। इसके साथ ही थोक सब्जी व्यापारी संघ के मुकेश अघीजा के अध्यक्ष पद पर बने रहने पर आम सहमति बनी। इस दौरान सदस्यों ने पदाधिकारियों का स्वागत किया। तिफरा मंडी परिसर के कार्यालय भवन में हुई बैठक में सर्वसम्मति बनी।
जिसके बाद अनिल सलूजा और मुकेश अघीजा को पुनः अध्यक्ष बनाए जाने पर सदस्यों ने उनका स्वागत कर बधाई दी। थोक फल सब्जी मंडी महासंघ का पांचवी बार अध्यक्ष चुने जाने पर अनिल सलूजा ने इस नई पारी में मंडी पहुंच मार्ग को बनवाने और व्यापारी किसान हितों में कार्य करने का भरोसा दिलाया। व्यापारियों को साथ में लेकर और खाली व्यापारी नहीं, हमारी जो हमेशा से रहा है इस मंडी को बसाने के बाद, हमारी चिंता खाली व्यापारी नहीं, हमारी चिंता किसानों की, जो छोटे व्यापारियों की, हमालों की, रेजा की, ये सब हमारा एक परिवार है और इस सब की चिंता करेंगे और इनके लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आगे हमने बहुत चीज़ें सोच कर रखी हैं कि जो प्रमुख रूप से इस रोड की समस्या है, इस रोड को बनाने का कार्य, इसके अलावा हमने सोचा है कि इस मंडी में हेल्थ क्लब लगाकर सबकी जांच करवाकर और जो भी सुख दुख होता है इसमें हम वैसे खड़े रहते हैं। कार्यकाल पूरा होने पर संघ के संरक्षक और चुनाव अधिकारी बंधु मौर्य ने सहमति बनाने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पारिवारिक वातावरण में सदस्यों से चर्चा कर अध्यक्षों के कार्य के आधार पर उनका मनोनयन कराया। फल थोक मंडी और सब्जी विक्रेता संघ दोनों एक परिवार है, कोई सब्जी का व्यापार कर रहा है, कोई फल का व्यापार कर रहा है, हम संगठित हैं और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जो सामने किसी को नेतृत्व देना पड़ता है और नेतृत्व वो आज कुछ दिन पहले हम सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष में मुकेश अघीजा जी को नियुक्ति हुए हैं और आज फल और सब्जी के महासंघ के अध्यक्ष श्री अनिल सलूजा जी को निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, इनके लिए हम पुनः उनको बधाई देते हैं। मुकेश अघीजा ने साफ कहा, कृषि उपज मंडी के अधीन थोक मंडी में सफाई व्यवस्था जल्दी ठीक कराया जाएगा, खाद बनाने लगाया प्लांट शुरू कराने दबाव भी बनाएंगे। मंडी में साफ सफाई जो है वो सबसे बड़ी एक समस्या है, उसमें कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा जो यहाँ से जो कचरा जो डस्ट होता है उसको खाद बनाने का एक प्लांट जो है वो मंडी समिति ने यहाँ पे लगवा तो दिया है लेकिन किसी कारणवश उसको अभी तक शुरू नहीं कर पाए हैं। बहुत ही जल्द मैं कहना चाहूँगा कि 8 से 10 दिन के भीतर हम प्रयास करेंगे कि वो प्लांट शुरू हो जाए ताकि जो कचरा या जो गंदगी आपको मंडी में दिखाई दे रही है वो आपको दिखाई नहीं देगी। दोनों अध्यक्ष कार्यकारिणी की घोषणा जल्दी करेंगे, कुछ अन्य राज्यों से व्यापार बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। इस दौरान उत्साह से भरे सदस्य बधाई देते दिखे। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। तहसील कार्यालय परिसर पूरी तरह कचरे से अटा है। नगर निगम द्वारा नियमित साफ सफाई नहीं किए जाने के कारण यहां गंदगी पसरी है, यहां वहां कचरे का ढेर लगा है। बड़ी संख्या में फरियादी आते हैं जिससे उन्हें यहां गंदगी देख आश्चर्य होता है। तहसील परिसर में संचालित दुकानों से निकला डिस्पोजल भी यहां डंप कर दिया जाता है। बाराखोली दुर्गा मंदिर बंगला यार्ड रेलवे परिक्षेत्र में श्री सोलापुरी माता पूजा महोत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस वर्ष माता पूजा धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते पूजा महोत्सव नहीं हो पाया था लेकिन इस वर्ष नियमों का पालन करते हुए बाराखोली में माता पूजा महोत्सव के लिए पंडाल आकार लेने लगा है। श्री श्री सोलापुरी माता पूजा समिति के अध्यक्ष वी रामाराव ने बताया कि खड़गपुर से आने वाले पुजारियों का विधि विधान से पूजा अर्चना कराई जाएगी। राटा पूजा यात्रा के साथ शुरू होने वाली इस जो महोत्सव है, पूजा महोत्सव 8 मई तक मनाया जाएगा और इस दौरान माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। सोलापुरी माता पूजा बाराखोली चौक बंगला स्टेशन रोड में बड़े धूमधाम से तैयारी चल रही है और इस बार 2 साल कोविड के बाद चालू कर रहे हैं और पूरा भक्त लोग पूरे लगे हैं, पूरे समिति के लोग लगे हैं और पूरा एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें 30 तारीख को राटा पूजा होगा जो वालेस कॉलोनी से निकलेगा, राटा पूजा पंडाल में पहुँचेगा जिसमें राटा का मतलब सोलापुरी माता के सामने पंडाल के सामने राटा का स्थापना होगा और पूजा विधि विधान से होगा चालू। और 1 तारीख को श्री श्री सोलापुरी माता को हम लोग मरीमाय मंदिर से नगर भ्रमण करते हुए, रेलवे कॉलोनी पूरा भ्रमण करते हुए यहाँ पूजा में
एक तारीख को स्थापित करेंगे पंडाल में। आईजी रतनलाल डांगी ने गुरुवार को रेंज स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक ली। बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर, मुंगेली एसपी चंद्रमोहन और गौरेला पिंडरा मरवाही के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल शामिल हुए। वहीं ऑनलाइन रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा के अधिकारी बैठक में रहे। आईजी श्री डांगी ने पीड़ित क्षतिपूर्ति राहत राशि जल्द से जल्द दिलाने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए। वहीं महिला बच्चों से जुड़े अपराधों के मामले में तत्काल जांच करने कहा। साथ ही थाना स्तर पर पेंडेंसी को लेकर उन्होंने सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। शहर के सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो स्टूडियो के संचालक अशोक राय ने अपने संस्था का विस्तार करते हुए मेट्रो ई बाइक के नाम से शोरूम का शुभारंभ किया है। इसमें डेल्टिक कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां उपलब्ध हैं जो ग्राहकों को खूब भा रही है। डेल्टिक कंपनी की वाहनों में लिथियम आयन फास्फेट बैटरी दी गई है। 3 अलग अलग मॉडल्स में उपलब्ध स्कूटी को 4 घंटे में चार्ज किया जा सकता है, जो कि 55 किलोमीटर टॉप स्पीड से सड़कों पर दौड़ती है। प्रताप चौक स्थित मेट्रो स्टूडियो के बाजू में मेट्रो ई बाइक का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। उद्घाटन अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक पहुंचे और संचालक अशोक रॉय को शुभकामनाएं दी। डेल्टिक कंपनी की 3 मॉडल्स फुल्ली ऑटोमेटिक है। स्कूटी में मोबाइल चार्जिंग के साथ ही ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम है। इस पे लिथियम आयरन बैटरी लगी हुई है, जो कि सिंगल बैटरी पे आपकी 80 किलोमीटर का रेंज देती है, जिसमें 45 की टॉप स्पीड है। उसके साथ में गाड़ी के में आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू, प्लस आपकी रिमोट से डायरेक्ट गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं विदाउट की से, तो मतलब कीलेस एंट्री है। 3 मॉडल्स हैं हमारे पास। ये ड्रिक्स है, वो कोस्टा है और लास्ट वाली लीजन है। लीजन हमारी बेस्ट मॉडल है, जिसपे आपको 55 की टॉप स्पीड मिलती है, प्लस 100 किलोमीटर का रेंज मिलता है। उस पर डिस्क ब्रेक मिलती है, प्लस आपको 12 इंचेस के टायर्स भी मिलते हैं। स्कूटी की 3 मॉडल्स में लीजन लिगिम टॉप मॉडल है। लगभग 86,000 रुपए की कीमत वाले इस वाहन की शानदार फीचर्स हैं। ऑटोमेटिक डिस्क ब्रेक, 55 टॉप स्पीड के साथ ये स्कूटी हवे से बात करती है। वहीं DRI XX सेकंड टॉप मॉडल है, जो 75,000 रुपए मूल्य की है। इसके साथ ही कोस्टा में 45 की टॉप स्पीड है। बटन दबाते ही स्कूटी में लॉक और अनलॉक की सुविधा प्रदान की गई है। बिलासपुर में हमारा पहले संस्था है डेल्टिक की। इसमें एक खासियत ये है कि इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं है, बैटरी में चलती है, ना पेट्रोल की जो महंगाई जमाना में। अभी बैटरी गाड़ी में 1 किलोमीटर सिर्फ 25 पैसा खर्चा आता है इस पर, और 3 साल की वारंटी रहते हैं। बहुत ही अच्छा है, स्मूथ चलते हैं, इसमें कोई भी जार्किंग नहीं है। और इसकी सबसे खासियत जो है, आप बैठे बैठे इसको बैक गियर कर सकते हैं, आपको गाड़ी से उतरना नहीं पड़ेगा। आप वहीं बैठिए, आप गाड़ी को बैक गियर कर दीजिए, पीछे हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिमोट है, आप गाड़ी भूल भी गया लॉक करने, आप जहाँ भी हैं वहीं से स्विच दबाइए, रिमोट दबाइए, गाड़ी वहीं से लॉक हो जाएगा। वहीं से आप खोल भी सकते हैं, आगे जा भी सकते हैं। स्कूटी की बैटरी में 5 साल की गारंटी है। पूरे देश भर में डेल्टिक के वाहनों की भारी डिमांड है। ग्राहक हाथों हाथ स्कूटी खरीद रहे हैं। यहां फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले में रेत का अवैध उत्खनन रोकने के लिए खनिज महकमा नाकामयाब साबित हो रहा है। भारी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने कार्यवाही में तेजी लाई थी, मगर अब खनिज महकमा कार्यवाही के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायतों में रेत की खुदाई धड़ल्ले से की जा रही है। बंद रेत घाटों से भी रेत माफिया लगातार उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। दिन दहाड़े हो रही चोरी को रोकने खनिज विभाग का महकमा फिसड्डी साबित हो रहा है। जिले में इन दिनों मिट्टी का कई जगहों पर अवैध खनन किया जा रहा है। कागजों की खानापूर्ति के लिए अवैध खनन के इक्का दुक्का प्रकरण बनाकर प्रशासन वाहवाही लेता है, मगर बड़ी मछलियों को विभाग पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता। शहर से लगे ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन पर मिट्टी की खुदाई की जा रही है। कई जगहों पर तो बंजर जमीन को भी खोद कर तालाब नुमा बना दिया गया है। रात के अंधेरे में ये गोरखधंधा और तेज हो जाता है। लाइन से हाईवा यहाँ खड़े रहते हैं। चंद रुपयों के लालच में खनिज अधिकारी माफियाओं को बचाने में लगे हुए हैं। पंछियों का इंतजाम आप जरूर कीजिए, लेकिन ध्यान रहे बड़ी तेज गर्मी पड़ रही है। समय समय पर पानी का सेवन जो है आपको करना है। शरीर को बाकी मौसम की अपेक्षा 2 से 3 गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसकी कमी न होने पाए।
फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।